नमस्कार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा मेन काम होम लोन का है। मैं सवेरे से सांझ तक जिन लोगों से मिलता हूं, या तो वो होम लोन के कस्टमर होते हैं या फिर होम लोन से संबंधित लोग होते हैं। मेरा पर्सनल लोन वर्टिकल से कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं था, लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे पास जो पर्सनल लोन्स के लिए कॉल आया करती थी, मैं उसे छोड़ देता था, इग्नोर कर देता था, क्योंकि मेरे पास उस तरह का कोई विकल्प नहीं था कि लोगों को बता पाऊँ कि हाँ, आप यहाँ से पर्सनल लोन ले लीजिए, वहाँ से पर्सनल लोन ले लीजिए। क्योंकि हम अपने काम में ही इतना उलझे हुए रहते हैं कि दूसरे जगह हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। अब इसमें मैंने महसूस किया कि जिन लोगों को पर्सनल लोन नहीं मिल पाया कहीं से, या मतलब मैं उनकी मदद नहीं कर पाया, तो वो भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं नाराज़ रहे, तो मनमुटाव जैसा व्यवहार करने लग गए। तो मैंने कहा चलो, इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब उसकी दिक्कत ख़त्म हो गई है। यदि आपको या आपके किसी जानकार को पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंडिया लेंड्स का अफिलिएट लिंक डाल दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया लेंड्स के पास मल्टीपल बैंक और NBFC का विकल्प उपलब्ध है। वो आपके इनकम के हिसाब से और आपके पेमेंट हिस्ट्री के हिसाब से आपके पास विकल्प दे देंगे कि इतने NBFC हैं और इतने बैंक हैं जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं। 100% डिजिटल प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत ही इजी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर आपके पास होना ज़रूरी है, अन्यथा वो डिजिटल प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आराम से घर बैठे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा पर्सनल लोन के लिए, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद, क्योंकि 7 बजे से पहले मेरा अपना काम है होम लोन का, तो इसी में बहुत ज़्यादा काम है, तो उलझा रहता हूँ मैं। 7 बजे के बाद जब मैं फ्री होऊँगा तब मैं आपकी ज़रूर सपोर्ट करूँगा, है ना। चलिए मिलते हैं सर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं बाय बाय।